वेलकम बैक टू द जीके लेसन टीचर्स आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स द हॉस्पिटल एंड द स्किल्स आर लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो प्यारे बच्चों क्या आपको पता है हॉस्पिटल क्या होता है कभी आप हॉस्पिटल गए हैं क्या आपके घर के आस पास या स्कूल के रास्ते में कोई हॉस्पिटल है कभी इतफाक हुआ वहाँ जाके टीका लगवाने का या कड़ी कड़ी दवाइयाँ खरीदने का तो आज हम ये बात करेंगे कि आपको हॉस्पिटल के बारे में क्या पता है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता और आज आपको अपने फ्रेंड्स के साथ अपने टीचर्स के साथ बातें करते हुए पता चल जाएगा तो आई यू एक्साइटेड आई एम एक्साइटेड मैं सुनना चाहती हूँ कि आपके पास हॉस्पिटल के बारे में कौन कौन सी बातें हैं और क्या आप जिस हॉस्पिटल में जाते हैं या क्लिनिक पे जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर अच्छे हैं या नहीं हैं और क्या आपको टीके से डर लगता है कितनी सारी बातें हम करेंगे आज के इस टॉपिक में सो डियर टीचर्स आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है इट से इन द कम्युनिटी एंड टॉक अबाउट देयर पर्पज एंड इम्पोर्टेंस टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द क्राफ्ट प्रोजेक्ट गिविंग रीजन फॉर चॉइस ऑफ मटीरियल की लर्निंग एरिया वर्ल्ड अराउंड एंड क्रिएटिव आर्ट्स सो so, आज हम रिकग्निशन की कोशिश करेंगे कुछ जगहों के बारे में जो कि हमारी कम्यूनिटी में भी है और फिर वो हमारे लिए कोई अहमियत रखते हैं इसके साथ साथ एक छोटी सी आर्ट की एक्टिविटी को भी इनकॉपरेट करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई एक टेंजेबल मटेरियल बच्चों के पास हो जिसको वो याद रख सकें तो आज किताब का सफ़र देखिए बच्चों ये क्या है इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ हॉस्पिटल सो टीचर्स ये जो पिक्चर्स हैं किताब में ये पिक्चर दी जाती है ताकि सिर्फ आपके पास एक बॉटम लाइन हो एक बेस लाइन हो कि जिसपे आज सब बच्चे मिल बातचीत करेंगे और कुछ सवाल ये गए हैं किताब के सफ़े पे जिनके जवाब हर बच्चे को आने चाहिए अपने छोटे सेंटेंस में चाहे वो उर्दू में देना चाहें अपनी मदर लैंग्वेज में देना चाहें इंग्लिश में देना चाहें तो वेल एंड गुड लेकिन याद रखिए घरों में इंग्लिश इतनी कॉमनली बोली नहीं जाती स्कूल से ही छोटा छोटा सेंटेंस इनको बोलना आना चाहिए और अपनी बात को इनको कम्युनिकेट करना आना चाहिए छोटे बच्चों का जहन एक वक्त बक वक्त बहुत सारी ज़ुबानें समझ सकता है सिर्फ फोकस रखते हैं उस आवाज़ की जो अदायगी है उसके ऊपर ताकि जब वो आवाज़ सुने और जब आवाज़ की शक्ल को हम उसके साथ कनेक्ट करें तो आवाज़ों में बच्चे अप ना हो जाए शक्ल जो है तस्वीर जो है वो आहिस्त आहिस्त डेवलप हो जाती है माइंड में तो चलिए बच्चों आज आपसे मैंने बहुत सारे सवाल करने हैं कुछ तो मैंने बुक पे दे दिए और कुछ जो अभी क्लासरूम में टीचर हैं आपकी वो आपसे पूछेंगी तो अभी स्क्रीन पे देख के बताइए आपको क्या नज़र आ रहा है सो वैन यू ऑब्जर्व हेयर वट यू सी दीज आर बेड्स यस और बेड के ऊपर कौन लेटे हुए है? हैं बीमार लोग जी हाँ बीमार लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं पेशेंट्स वेरी गुड ये कौन होगा ये होगी या तो नर्स होंगी या डॉक्टर होंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ जगह जगह पे पड़ी हुई है बच्चों ये बताइए ये कौन सी जगह है इट्स अ हॉस्पिटल अब आपने ये बताना है कि हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं हॉस्पिटल जाने की क्या वजह हो सकती है जब हम जो है बीमारी महसूस करते हैं हमारे सर में दर्द होता है हमें बुख़ार आ जाता है खांसी और ज़ुकाम हो जाता है तो हम अच्छा नहीं फील करते और इसलिए हम जाते हैं किसी क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में और वहाँ पे हमारा कौन ख्याल रखता है या हमें कौन चेक करता है डॉक्टर्स एंड नर्सेस तो आपको याद हो हमने डॉक्टर्स एंड नर्सेज पे पहले भी बात की हुई है अबाउट पीपल में रिमेंबर सो so, टीचर्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है उसको आपने इस टॉकिंग के साथ कनेक्ट करना है पिछले लेसन से भी जो बात आप इस कनेक्ट लेसन में कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमने डॉक्टर्स और नर्सेज के प्रोफेशन को डिस्कस किया था वो डिस्कशन पे आप फर्दर बिल्ड करेंगे और उनको आज हम हॉस्पिटल के कॉन्टेक्ट में उनसे सवाल पूछेंगे सो so, टीचर्स आपने टॉक एंड डिस्कस करनी है जो किताब में दी गई है पिक्चर ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल की पिक्चर है उसमें कलर नहीं है बच्चे कलर करेंगे लेकिन वो कलरिंग का टास्क होगा इनका इंडिविजुअल लेटर ऑन अभी ये बातचीत करेंगे हॉस्पिटल में होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में हॉस्पिटल में जो अमला काम करता है यानी डॉक्टर्स एंड नर्सेस और वहाँ पर सफाई करने वाले और कंपाउंडर्स भी होते हैं वहाँ पर फार्मेसी भी होती है ये तमाम चीज़ें आपने बच्चों के साथ डिस्कस करनी है उनकी वोकेबलरी बिल्टअप करनी है उनके जनरल नॉलेज पे फोकस करना है उनकी जो स्पोकन स्किल्स हैं उन पे उनको एक्टिव करना है और उनसे कहना है ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आज हमारे लेसन की मेन स्किल्स हैं ही लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स नर्सिस हॉस्पिटल्स वैक्सीनेशंस, कीपिंग दम सेल्फ क्लिन आप डेंगू पे भी बात कर सकते हैं आप कोविड पे भी बात कर सकते हैं आप हिफाजती टीकों पे भी बात कर सकती हैं आपके पास कितने सारे मौजूँ हैं इनके साथ बात करने के लिए और खास ख़ासतौर तो पे वो पोलियो के कतरे क्योंकि ये छोटी क्लास है इन्होंने वो पीने होते हैं तो जनाब आज आपके पास बहुत सारा कुछ है इनसे पूछने के लिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और मैं करती हूँ आपका वेट दे आर डॉक्टर्स एंड नर्सेस तो, तो जनाब डॉक्टर्स क्या करते हैं जब हम अच्छा फील नहीं होता हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो क्या करते हैं हमें पहले अच्छी तरह चेक करते हैं हमारा गला चेक करते हैं बुखार चेक करते हैं कान चेक करते हैं और फिर हमसे कुछ सवाल पूछते हैं कि आपने रात को क्या खाया था आपने पानी कब पिया था आप बाथरूम कब गए थे वगैरह वगैरह उनके हम जब जवाब देते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं एक पेपर के ऊपर आपको कुछ दवाई लिख के देते हैं और ये समझाते हैं कि अब आपने किस वक़्त कौन सी दवाई खानी है और सबसे बड़ी बात को बताते हैं कि अब आइंदा आपने कोई ऐसी गंदी चीज़ नहीं खानी अपने हाथों को धोना है दवाई का टाइम पे इस्तेमाल करना है सही और अच्छा हेल्दी फूड खाना है ये सारी बातें कर लेने के बाद फिर आपको वो भेजते हैं एक शॉप पे जहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं और आप वो खरीदते हैं अगर उन मेडिसिन में कोई इंजेक्शन हो तो आपको इंजेक्शन कौन लगाता है जी हाँ इंजेक्शन लगाते हैं आपको नर्सेज नर्सेज मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं तो जो भी आपके एरिया में हॉस्पिटल है नेक्स्ट टाइम आपका जब विजिट हो तो आपने बड़े गौर गौर से ऑब्जर्व करना है कि इन चीज़ों के अलावा आप कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे नजर आई हैं तो चलिए टीचर्स आज के इस लेसन को चूंकि आज हमने फुल डिस्कशन की है अबाउट हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स हेल्दी लाइफ तो आई होप कि पिछले लेसन में भी जितनी भी डिस्कशन थी जो पॉइंट्स थे जिन पे आपने बातचीत की थी वो रिवाइज आपने डेफिनेटली की होगी आई ट्रस्ट यू ऑन दैट इज अ वर्कशीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्सो सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट आज हमने हॉस्पिटल के बारे में बातचीत की इसमें कलर करेंगे यहाँ पे टीचर्स डॉट्स में जो वर्ड्स दी मतलब आपको वर्ड दिया गया है हॉस्पिटल दैट इज फॉर दिस साइट वर्ड क्योंकि अब इनको साउंड और फोनिक्स और एल्फाबेट्स आगे हैं तो जैसे जैसे ये ट्रेस करेंगे इसी तरह से उनकी रीडिंग की स्किल भी बढ़ती जाएगी राइटिंग की स्किल को हम आज सा दूसरी बुक्स में एड्रेस कर रहे हैं सो so, आज का हमारा टास्क ये था कि हम बच्चों को मुख्तु प्लेसिस की पहचान कराएं जो कम्युनिटी में हैं और उनकी इम्पोर्टेंस का और हमने किस कमिटी प्लेस को वेरी वेरी गुड वट इज द स्टार्टिंग साउंड फॉर द वर्ल्ड हॉस्पिटल हॉस्पिटल यस और किस किस को ह का फेस याद है जल्दी से एयर में ड्रॉ करके दिखाए डाउन and then another line and then a line in the center very very good aur kisko uska face small letter ka yaad hai down up and round and stop very good so teachers ye lijiye ji bachcho ne sound bhi repeat kar li letter ka face bhi revise kar liya बहुत सारी discussion भी कर ली तो अब ये reserve करते हैं एक छोटी सी art group activity जिसमें किताब में recommend किया गया है कि आप अखबार में से मुख्तफ हॉस्पिटल्स की क्लिनिक की एक्टिविटी की तस्वीर निकाल के वो पेश करके एक पोस्टर बना लें नहीं तो अगर आपने उसका कोई ऑल्टरनेट देना है तो एक ऑल्टरनेट एक्टिविटी ये है कि कार्डबोर्ड की मदद से छोटा सा डमी हॉस्पिटल बना लीजिए और आप उसको किसी रोल प्ले में करेक्टर प्ले में इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे जो है वो डॉक्टर नर्स का और पेशेंट का करैक्टर कर सकते हैं सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप बच्चों से ये तमाम एक्टिविटीज़ करवा रही हैं क्योंकि आज का मकसद ही है लेसन का कि बच्चों को हॉस्पिटल उसकी अफादियत और खास तौर तो पर में वो लोग जो हमारी ख़िदमत करें वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उनका ख़्याल उनकी रिस्पेक्ट और उनके प्रोफेशन को भी ऑनर दिया जाए तो टीचर्स वर्कशीट आप बच्चों को दे सकती हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्लिक करके और कोशिश करें कि बच्चों ने आज जो भी एक्टिविटी की है उसको घर जाके वो डिस्कस भी करें और उसके बारे में जो है मज़ीद इफॉर्मेशन गैदर करें अपना ख्याल रखिए हाफिज़